फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिन्हें दुनिया इलियास आज़मी के नाम से जानती है। लेकिन इलियास आज़मी साहब शायद हिंदुस्तान के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने आज़ादी के कब्ल का हिंदुस्तान, यानी आज़ादी से पहले का हिंदुस्तान और आज़ादी से बाद का हिंदुस्तान देखा है। जिन्होंने सियासत को भी देखा है, बहुत करीब से सहाफत को भी देखा है, समाज को भी देखा है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने दुनिया को बहुत करीब से देखा है। मैं अगर कहूँ कि पूरी दुनिया को उन्होंने बहुत करीब से जा करके देखा है और ख़ास तौर से मुसलमानों की, दलितों की और पसमादा तबकात की शख्सियात की सियासत को बहुत करीब से उन्होंने समझने की कोशिश की, तो गलत नहीं होगा इलियास आज़मी साहब, आपका इस्तकबाल है। इलियास आज़मी साहब, अगर हम बात करें आपके सियासत की, क्योंकि आज जिस वक्त आप सियासत में आए थे आज़ादी से फौरन बाद, आप बचपन की उम्र में सियासत में आ गए थे, उस वक्त की सियासत में और आज की सियासत में कितना फर्क आया है? मैंने पहली बार 12-13 साल की उम्र में सन 1946 के इलेक्शन में हिस्सा लिया था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट जुदागाना तरीके इंतखाब के तहत हुआ था। तब से चुनाव लड़ना, पार्टी में आना अलग बात है, लेकिन तब से मैं कंटिन्यू सियासत में हूँ। लेकिन उस वक्त की सियासत और आज की सियासत में कितना फ़र्क आ गया है? नहीं तो देखिए, सन 46 के अंग्रेज़ों के ज़माने की सियासत में तो हिंदू और मुसलमान की अलग अलग थी। असल सियासत शुरू हुई है 52 से जी। मैं तो कोई फ़र्क नहीं समझता। लेकिन जितनी मक्कारी और अय्यारी और मुंह में राम बगल में छुरी, कहना कुछ करना कुछ, आवाम से कहना कि हमको पूरब तरफ जाना है और जाना पश्चिम तरफ, उल्टा बिल्कुल जी। ये उस वक्त भी था और आज भी है। नहीं, लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सियासत रही हो या कांग्रेस पार्टी की जो सियासत रही हो, उसको सबसे ज़्यादा आपने अपोज किया है। कि कांग्रेस पार्टी की न कोई सियासत थी और न कोई सियासत भारतीय जनता पार्टी की है। सियासत करती थी आरएसएस, फैसला आरएसएस करती थी, नेहरू उसको इम्प्लीमेंट करते थे और वही नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। मैं उनको बेवकूफ़ और पागल समझता हूँ, जो दोनों में फ़र्क समझते हैं जी। ये ब्राह्मणवाद की खास चालाकी थी कि उसने नेहरू का तर्ज कलाम अलग रखा था और जनसंघ और बीजेपी का अलग रखा। मकसद दोनों का एक है, ब्राह्मण गलबे की रियासत जो 5000 साल से इस मुल्क में है, 4000 साल से, उसको बाकी रखना, उसका डोमिनेट बाकी रखना, वो कांग्रेस का भी मकसद था, वही बीजेपी का भी मकसद है। आज़ाद हिंदुस्तान में कहा जाता है कि आप पहले आदमी हैं जिन्होंने आर्टिकल 341, जिसमें जो है शेड्यूल कास्ट, जो मुस्लिम्स थे या जो क्रिश्चियंस थे या बौद्ध थे, उन सबको बाहर कर दिया गया था। उसके बाद में 2-3 लोगों को शामिल किया गया, लेकिन मुसलमान और क्रिश्चियन आज भी उससे बाहर हैं, उसको अपोज किया था आपने। ये बदकिस्मती की बात है, बल्कि नेहरू का कमाल है कि डॉक्टर एजाज अली और दूसरे लोगों ने जो 341 की शुरू की तहरीक, उससे पहले कोई जानता भी नहीं था कि हमारे साथ क्या हुआ है। मैं खुद बता दूं कि सन 57 का इलेक्शन था और मेरे यहाँ एक सीट जिसमें मुसलमानों की तादाद काफ़ी थी वो रिज़र्व थी, सराय मीर के नाम, तो उसमें एक धोबी चुनाव लड़ा था। तो मैंने सोचा कि मुस्लिम धोबी एक थे जो मलेशिया में काफ़ी पैसे वाले थे, मैंने सोचा कि अगला चुनाव उनको लड़ाएंगे। तब मुझको पता लगा, जब मैंने बात की लोगों से, कि अगली बार तौफीक को लड़ाया जाए या रफीक को, दोनों भाइयों में से एक को, तब उस वक्त मुझको पता लगा कि नहीं, मुसलमान धोबी नहीं लड़ सकता। तो सोशलिस्ट पार्टी के एक लीडर थे डॉक्टर केदारनाथ मिश्रा, मैं आज़मगढ़ गया तो उनसे मैंने पूछा कि उनका गाँव भी उसी में था, मैंने पूछा डॉक्टर साहब आपके क्षेत्र से तौफीक या रफीक चुनाव नहीं लड़ सकते? वो जानते थे उन दोनों को, उन्होंने कहा कि नहीं।
तो मैंने पूछा कि क्यों, फलाना तो लड़ा था। तो कहा कि भाई तौफीक और रफीक आपके साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं मस्जिद में? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, पढ़ा भी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो मंदिर में नहीं जा सकता, इसलिए वो लड़ सकता है, ये नहीं लड़ सकते। मैं बिल्कुल लड़का था, नौजवान। अब मेरे एक मासूम दिमाग ने मान लिया। उसके बाद से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस मसले से डॉक्टर फरीदी जैसा आदमी भी वाकिफ नहीं था, इसलिए मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त उनके साथ गुजरा है। आप अक्सर बार बार डॉक्टर फरीदी का नाम लेते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान की सियासत में डॉक्टर फरीदी का क्या रोल था? डॉक्टर फरीदी का मैं समझता हूँ कि जब से उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी छोड़कर नई सियासत की बुनियाद डाली जी, वो नई सियासत की बुनियाद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी बल्कि समाज के सभी दबे कुचले तबकों के लिए थी। और उन्होंने पेरियार रामास्वामी नायकर को लखनऊ में बुलाकर 1968 में जो पहला नॉर्थ इंडिया का सम्मेलन कराया, जिसमें निज़ाम हैदराबाद के यूएनओ में नुमाइंदे बी श्याम सुंदर थे, जिसमें रामजी राम थे, संघ प्रिय गौतम आज भी जिंदा हैं, छेदीलाल साथी थे और लोग थे और बहुत सारे मुसलमान भी थे। उस कन्वेंशन ने पूरे इंडिया की तकदीर और सोच बदल दी और उसके बाद से दलित और बैकवर्ड की सियासत का आगाज़ उसके बाद से। बिंदेसी प्रसाद मंडल भी थे जो सोशलिस्ट पार्टी में थे, मंडल कमीशन जो बना था, हाँ, जिनके नाम का मंडल कमीशन बना, वो भी उसमें थे। डॉक्टर फरीदी ने एक ऐसी क्रीम जमा की थी और मुसलमानों में भी लड़कों की उन्होंने ऐसी कैडरिंग की थी कि डॉक्टर लोहिया के अलावा पूरे मुल्क में कोई ऐसा आदमी दूसरा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी कैडरिंग की हो। मुसलमानों में जितने मारूफ नाम आज नज़र आते हैं आपको, मसूद खान हबीब साहब से लेके और आज तक, चाहे मोहम्मद खान का नाम लीजिए, चाहे आज़म खान का नाम लीजिए, सब डॉक्टर फरीदी ही की कैटरिंग का नतीजा था। ये अलग था कि उसमें कुछ लोग भाग गए और कुछ लोग आज तक नहीं भागे। लेकिन डॉक्टर फरीदी की जो सोच थी, जिस चीज़ को लेकर आगे बढ़े थे, वो बहुत आगे तक नहीं चल पाई उनके मरने के बाद। किसी न किसी शक्ल में वो सोच आज भी सियासत का महावर है, ख़त्म नहीं हुई। लेकिन सोच नहीं ख़त्म हुई, उनकी बनाई हुई तहरीक उनके बाद कमज़ोर पड़ती गई और ख़त्म हो गई। इसलिए कि उस तहरीक की बुनियाद में मुसलमान थे और मुसलमान बहुत आसानी से किसी को अपना लीडर नहीं मानता। क्यों नहीं मानता मुसलमान किसी को अपना? इस वजह पर मैंने पूरा बगौर मुताला नहीं किया। आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो मुसलमान ने नेहरू को मान लिया, पटेल को मान लिया, सबको मान लिया कि तीन आदमी भी अगर एक साथ जा रहे हों सफर में तो एक को अपना अमीर बना लें। उस मजहब के मानने वाले क्यों किसी आदमी को अपना लीडर नहीं मानते, मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। लेकिन एक अहम सवाल यह है कि जिन दलितों या मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, उनको संविधान ने, खासतौर से अगर दलितों की बात की जाए, तो बहुत सारे अधिकार भी दिए हैं, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ स्पेशल राइट्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो सियासत में दिन ब दिन या सोशल बैकग्राउंड में या इक्तसादी मैदान में हाशिए पर चले गए। उसकी वजह उनकी लीडरशिप की मफाद परस्ती है। जो अपने बारे में सोचता है पहले और अवाम के बारे में बाद में। इन दोनों कौमों से गलती कहाँ हुई? कौमों से गलती, मुसलमान तो लगातार गलती करता रहा है जी। मुसलमान ने पहली गलती वो की कि सर सैयद को की बात न मानकर मुल्लाओं की बात मानी जी। ये गलती मुसलमान सर सैयद 1857 के बाद से 1912 तक करता रहा, जिसकी वजह से अंग्रेज़ मजबूर हुआ कि वो कांग्रेस बनावे। इसलिए कि जो अंग्रेज़ ने 1857 के बाद जो कमीशन भेजा था कि हिंदुस्तानी सोसाइटी की सोच क्या का मुताला करके ऐसी तजवीज़ रखें कि हम किन को लेकर, यहाँ जो कुछ होता था जात के आधार पर होता था। इस्लाम जो जात पात मिटाने के लिए दुनिया में आया था, भारत में इस्लाम भी जात के आधार पर फैला, हिंदू जातियाँ जो हैं मुसलमान हुई,
तो सब कुछ यहाँ जात के आधार पर था, और मुसलमान बादशाहों ने भी जात का आधार ही लिया। मुसलमान बादशाहों को इस्लाम तो किसी दिन याद नहीं आया, उनको सिर्फ एक बात याद थी कि हमारी हुकूमत ज़्यादा दिन कैसे चले, और वो ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही चल सकती थी। इसलिए कि हिंदुस्तान में जो जातियाँ थीं उनका लीडर ब्राह्मणवाद था, तो उन्होंने भी ब्राह्मणवाद ही को बढ़ावा दिया आखिर तक, मुसलमान बादशाहों ने भी। आखिरी हद ये है कि जिन लोगों का ईमान था कि हम मुसलमान हैं और कहते थे कि हम मुसलमान हैं, और जिसका हुक्म था बिला तफरीक कि हर इंसान को पढ़ना लिखना चाहिए, अगर इल्म चीन में हासिल होता है तो चीन जाना चाहिए, 1000 साल तक उन्होंने शूद्रों पर तालीम के दरवाजे नहीं खुलने दिए, इसलिए कि पंडित जी नाराज़ हो जाएंगे तो हमारी हुकूमत का इस्तेहकाम कमज़ोर पड़ जाएगा। ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर दलितों से रिलेटेड या SC ST या शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड कोई मसला आता है तो जो उनके MPs होते हैं वो पेमेंट के घेराव कर लेते हैं, या धरने पे बैठ जाते हैं, या गांधी जी की मूर्ति या अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि मुसलमानों के मसाइल को लेकर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना हो और इस तरह सब लोग आगे आए हों। कोई नहीं, मैं जब पार्लियामेंट में आया तो मैंने शुरुआत की, मैंने पहले अपने घर पर सारे मुस्लिम मेम्बरान को बुलाया, कांग्रेस के मेम्बरान जो साउथ से ताल्लुक़ रखते थे वो आए, लेकिन नॉर्थ से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के मेम्बरान ने साफ इनकार कर दिया कि हम एक पार्टी के मेंबर हैं, हम आपको बुलाने कैसे जाएंगे जी। ये वो अपने बारे में सोचते थे कहीं मेरा टिकट न कट जाए, वो मुसलमानों के बारे में या आवाम के बारे में या मुल्क के बारे में या सोसाइटी के बारे में नहीं, तो हिंदू भी ज़्यादातर अपने बारे में सोचते हैं जो पार्लियामेंट और असम्बलियों में हैं, पहुँचे हैं, मंत्रिमंडल तक पहुँचे हैं, वो ज़्यादातर उनकी पॉलिसी अपने बारे में होती है कि मेरी कुर्सी कैसे और मजबूत हो, या कम से कम जो मिल गई है वो बची रहे। अपने बारे में सोचने से आदमी मजबूत होता है, या अपनी कौम को अगर वो लीड करता है आगे लेकर के आता है तो मजबूत होता है? अपने बारे में भी, जिसे लीडरशिप है, जैसे नॉर्थ इंडिया में जितनी लीडरशिप उभरी जी मेरे होश में, उसमें ज़्यादातर की सोच यही थी कि हमारा जो मुसलमान चमचा है वो अपने बारे में जितना चाहे झगड़ा करे, लड़े, वो करे, लेकिन आवाम के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में बात ना करे। वो सोच डेवलप हो गई, ये पार्टी लीडरशिप चाहती है, ये कांग्रेस ने शुरुआत की थी, उसकी छूत दूसरी पार्टियों में भी लगी। आपके बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि अक्सर BJP जो लीडर्स होते हैं उनके लिए आप सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं और कांग्रेसियों पे हमलावर होते हैं। नहीं, मैं कांग्रेस के बहुत से लीडरों से मेरे जाती ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, जिंदगी भर अच्छे रहे। श्यामलाल यादव थे, अंतुले थे, और बहुत सारे लोग थे, और BJP के बहुत सारे लीडरों से मेरे ताल्लुकात ठीक है। मैं कांग्रेस और BJP को दो नज़रियाती धारे में नहीं मानता, एक ही बड़े धारे के दो धारे हैं। क्या ये सच है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपको अपनी कैबिनेट में आने का ऑफर दिया था? हाँ, कैबिनेट में आने का ऑफर उस तरह नहीं दिया था कि वो प्रधानमंत्री बन गए थे जी, बल्कि पार्लियामेंट में दो मसले आए थे जी। एक विजय गोयल ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था कॉमन सिविल कोर्ट पर। हाँ, वो क्या था, इस पर आपने तकरीर की थी, उसके बाद BJP उससे रूल बैक हो गई। कॉमन तो मेरा उस पर बोलने का इरादा नहीं था जी, लेकिन विजय गोयल के बाद तकरीर हुई बनातवाला की, वो तैयार करके आए थे। अच्छा, उन पे बोलने के लिए? हाँ, बोलने के लिए उनकी तकरीर, और पहले से उन्होंने लिख के भी दिया था कि मैं इस पर बोलूँगा स्पीकर को, संगमा को। अच्छा, उसको संगमा साहब। हाँ, तो उनकी तकरीर सुन के मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा इस पर नहीं आया कि वो गलत बोल रहे थे, गुस्सा इस पर आया कि वो मसले को उल्टा सुलझाने के बजाय उलझा रहे थे। तो उनकी तकरीर सुन के मुझे गुस्सा आया, उसके बाद मैंने संगमा से इजाज़त मांगी, उन्होंने कहा कि इत्तेफाक से किसी कोई और नाम नहीं है, बना तो अलग बाद ही मैं आपको दे देता हूँ। उस पर जो मेरी तकरीर हुई वो मुल्क की तारीख की, पार्लियामेंट की तारीख की बेहतरीन तकरीरों में थी। उसमें पूरी पार्लियामेंट कन्विंस हो गई कि कोई मसला ही नहीं है,
लेकिन उसके बाद फिर आपने इस मसले को क्यों नहीं उठाया और ये मसला अब भी एक बार बार लेके मुंह बात देता है? नहीं, उसके बाद मैं 14वीं लोकसभा में जब आया तो एक बार भी कॉमन सिविल कोड का लफ्ज तक नहीं आया पार्लियामेंट में। नहीं, उस वक्त चूंकि बीजेपी पावर में नहीं थी, लेकिन वो तक देखिए वो जब तकरीर हुई और दोबारा एक तकरीर मेरी हुई थी बांग्लादेशी घुसपैठिया पर। अच्छा, क्या ये सच है कि 15वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने आपको ऑफर किया था कि आप उसके बैनर तले लड़ जाइए, उसके बाद फिर कहा इंडिपेंडेंट लड़ जाइए, दिग्विजय सिंह को भेजा था? हाँ, जब मायावती ने मेरा टिकट काट दिया जी। पहले टिकट देकर और परसीमन में शाहबाद ख़त्म हो गई थी तो खीरी से कहा कि आप लड़िए। मैंने खीरी को तैयार किया। खीरी लोकसभा में, शाहबाद लोकसभा का सिर्फ एक ब्लॉक था 11 ब्लॉक में। तो जब मैंने पूरी 6 महीना मेहनत कर ली, उसके बाद ऐन मौके पर जब काट दिया तो दिग्विजय सिंह मेरे पास आए थे। मैंने कहा कि मैं आपके पास आता हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं मैं आऊँगा, वो एन डी तिवारी के मकान के बगल में आपका है। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने ऑफ़र किया, मैंने कहा कि मैं अगर बड़े से बड़ा पद दे दें तब भी मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि, फिर मैंने कहा कि एक शक्ल है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूं और कांग्रेस सपोर्ट करे। मैं सोनिया जी का प्रोग्राम भी कराऊंगा, राहुल गांधी का भी कराऊंगा, जिसका आपका भी कराऊंगा, लेकिन मैं कांग्रेस के सिंबल से नहीं लड़ सकता। क्यों, एलर्जी क्या थी कांग्रेस से आपको? वही एलर्जी थी, मैं कांग्रेस को सारे मसाइल के इस मुल्क के जितने हैं और पूरी सामाजिक सोच जो इस मुल्क की ख़राब हुई, मैं उसका जिम्मेदार कांग्रेस को ही मानता हूँ। आपके बारे में कहा यह जाता है कि जब आर्टिकल 341 का मसला आपने पहली बार पार्लियामेंट को में इंट्रोड्यूस किया तो अटल बिहारी बनाम इलियास आजमी एक डिबेट हुई जिसमें नीतीश कुमार साहब ने इंटरवीन किया, मुदाखलत की। हाँ, वो पहली बार लोकसभा 14वीं लोकसभा का इजलास हो रहा था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस हो रही थी, तो उसमें आरजेडी के किसी मेंबर ने बिहार के ये कहा कि मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, पूरे पूरे दफ्तर में एक मुसलमान कर्मचारी नहीं मिलता देखने पर, तो उनको भी कुछ आरक्षण वगैरह दे दिया जाए। तो उस पर अटल जी ने मुदाखलत की और अटल जी ने कहा कि भाई देखिए, मुसलमानों को फैसिलिटी दी जाए इसका मुझको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धर्म का आधार नहीं होना चाहिए, धर्म का आधार नहीं होना चाहिए। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने इंटरव्यू किया, मैंने कहा कि आइए अटल जी, हाथ मिलाइए, आप धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी हैं लेकिन मर्द की तरह बात कीजिए, मैं भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोधी हूँ। धर्म के आधार पर आरक्षण न हो उसके लिए 5 लाख का मजमा बुलाइए, मैं भाजपा का झंडा लगा के मैं मंच पर आके तकरीर करने के लिए तैयार हूँ, आपकी ताईद करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन आप मर्द की तरह बात कीजिए, धर्म के आधार पर ही सारा आरक्षण है उसका भी विरोध कीजिए। नीतीश कुमार ने क्या कहा? नहीं, वो खामोश हो, वो अब उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। मैंने कहा कि धर्म के आधार पर शेड्यूल कास्ट का पूरा आरक्षण चल रहा है और आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हिंदू धोबी आरक्षण पाता है, मुस्लिम धोबी नहीं पाता, हिंदू मेहतर पाता है, मुसलमान मेहतर नहीं पाता, हिंदू बुनकर पाता है, मुसलमान बुनकर नहीं पाता। तो आइए हाथ मिलाइए, धर्म के आधार पर आरक्षण पर पूरी पार्लियामेंट एकजुट होकर उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करे, लेकिन प्रस्ताव ये पास करे कि जो चल रहा है वो भी धर्म के आधार पर ख़त्म हो, वो भी ख़त्म हो और आगे धर्म के आधार पर न हो, आरक्षण ना हो। तो उस पर उसमें फिर इंटरव्यू इन्होंने नीतीश कुमार ने मेरी ताईद की, बावजूद है कि वो इस वक्त एनडीए के एक मेंबर थे और एनडीए के चेयरमैन से बहस हो रही थी, तो नीतीश कुमार ने यह कहा। तो नीतीश कुमार के कदम बड़ा साहसी कहा जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा था। और उन्होंने कहा कि मैं जात का कुर्मी हूँ, अगर मैं कल अपना धर्म बदल दूँ तब भी मैं कुर्मी ही रहूँगा। एक बड़ी बात है जो आपके ताल्लुक से कही जाती है कि जब टेररिज्म की मुल्क में एक वेव चल रही थी तो इलियास आजमी और अकबर डंपी दो ऐसे सांसद थे जो अरबी रुमाल पहनकर पार्लियामेंट में गए थे, उसके बाद अरबी रुमाल का चलन खत्म हो गया, ये कितना बड़ा साहसिक फैसला था जो आपने लिया था? टेररिज्म की वेव कभी इस मुल्क में चली ही नहीं जी। आईबी ने टेररिज्म, नेहरू परिवार के सारे पर
IB ने टेररिज्म का हुआ खड़ा किया, टेररिज्म इस मुल्क में मसला ही नहीं, कोई वजह ही नहीं है। बाबरी मस्जिद गिरी थी, थोड़ा सा हुआ था मुसलमानों में कुछ टेररिज्म का जज्बा, मुस्लिम नौजवानों में उभरा था, मैं मानता हूँ, लेकिन परमानेंट टेररिज्म का इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा। आज भी कोई कश्मीर में है वो अलग, उसका मसला अलग है, झारखंड या नॉर्थ ईस्ट में जहाँ भी है उसका मसला अलग है। वो टेररिज्म उसको नहीं कह सकते आप, वो लोकल मसला कह सकते हैं, टेररिज्म है ही नहीं। मैं पूरे एतमाद दावे के साथ और पूरे इत्मीनान कल्ब के साथ कह सकता हूँ कि जितने बम धमाके हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें IB ने खुद कराए हैं, कुछ मुस्लिम नौजवानों को टारगेट करने के लिए IB ने कराए हैं। IB रुमाल ओढ़ने की आपको ज़रूरत क्या पड़ गई? वो पहले जिन मुस्लिम लड़कों को पकड़ते थे काला कपड़ा या कोई रुमाल डाल के उनका मुंह ढकते थे, तो बटला हाउस इनकाउंटर पर इन्होंने तीन लड़कों को पकड़ा और तीनों को इस रुमाल में पेश किया जी। तो मैंने डंपी को बुलाया, डंपी आया मेरे घर पर, मैंने कहा कि ये जितने पकड़े जाएंगे बेगुनाह सबको इसी रुमाल में ढका जाएगा, ये जोड़ना चाहते हैं इंटरनेशनल जो इस्लामोफोबिया चल रहा है उस दहशतगर्दी से इसको जोड़ना चाहते हैं। तो फिर ये तय पाया कि हम लोग कल इसी में मुँह ढाँक के चलें। तो हम लोग गए और मैं सुनता हूँ कि एक गांठ पूरी मंगा लिया था पुलिस ने, वो पड़ी पड़ी सड़ गई उनके यहाँ, उसके बाद से फिर किसी को इस रुमाल से नहीं ढका। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने आम आदमी पार्टी बनाई, उससे पहले BSP आपने बनाई, VP सिंह के साथ आप रहे, फरीदी साहब के साथ रहे, JP मूवमेंट में रहे, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद आपने कोई अपना पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया। देखिए, जब मैं एक आम खानदान में पैदा हुआ था, न पॉलिटिकल खानदान था, न जमींदार बड़ा खानदान था, न कोई मशहूर खानदान था, हमारे मुल्क में वो भी ब्राह्मणवाद की एक किस्म है कि किसी को कुछ करने के लिए बड़े ख़ानदान का होना ज़रूरी है या बहुत बड़ी डिग्री लंबी चौड़ी लगी हो। मेरे साथ कुछ नहीं था। धीरे धीरे मैंने कदम बढ़ाया डॉक्टर फरीदी के नेतृत्व में। जब मैं इस लायक हुआ कि मैं आगे बढ़ के कुछ कर सकूं, तो मेरी उम्र 70 क्रॉस कर गई थी। आपके बारे में एक बात और कही जाती है कि आपने सच्चर कमेटी हो या मिश्रा कमीशन हो, आपने उनको बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। मैंने 341 को शुरू करके उसी जद्दोजहद में जब मेरी हर तकरीर में आने लगा और एकदम मसला बन गया, तो सच्चर कमेटी बनाने का ऐलान किया इन्होंने। उस सच्चर कमेटी में भी खुद मनमोहन सरकार के डिफेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने फौज का आंकड़ा देने से इनकार कर दिया। वो इसलिए नहीं किया था कि फौज हिंदू मुसलमान नहीं होती, फौज हिंदुस्तानी होती है, हाँ, और यादव और ब्राह्मण नहीं होती, ये तो एक लफ्ज था, बहाना था। प्रणब मुखर्जी ये दिखाना ही बताना ही नहीं चाहते थे कि फौज में 1% से भी कम मुसलमान है, हालांकि करगिल की जंग में 17% शहीद होने वाले मुसलमान थे जबकि फौज में 1% थे। तो ये चेहरा, भारत का ये मकरूह चेहरा, ये घिनौना चेहरा प्रणब मुखर्जी नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसी सरकार के एक बहुत बड़े सबसे बड़े डिपार्टमेंट ने फिगर ही नहीं दिया। जब सच्चर रिपोर्ट आई तब मुझको पता लगा कि सच्चर को सिफारिश करने का अख्तियार ही नहीं दिया था। तो सच्चर रिपोर्ट आई तो पार्लियामेंट में मैंने उस पर जब तकरीर की तो मैंने ये कहा कि सोनिया जी बैठी हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके पूर्वजों ने नया शूद्र बनाने का जो रिवाज शुरू किया, वो नहीं रिवाज नहीं बल्कि जो कोशिश शुरू की थी वो किसी हद तक कामयाब हो गई है, और लंबे पीरियड तक जो जिन लोगों ने हुकूमत की इस मुल्क में, आज वो ज़िंदगी के चार अहम तरीन शोबों में 5,000 साल के दलितों से भी बदतर हो गए, पीछे हो गए। तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ
और मैंने कहा कि आप बदनीयत हैं, नेहरू से लेकर अब तक जितने कांग्रेस के हुए हैं लीडर सब बदनीयत थे, उनकी ज़बान पर कुछ रहा और दिल में कुछ रहा। बल्कि मेरे जैसे लोग तो ये मान लेते थे कि अगर कांग्रेस कहती थी कि मुझको पूरब सिंध जाना है तो मैं फ़ौरन तैयार हो जाता था कि ये पश्चिम अब जाएगा, पश्चिम जाएगा तो मैं अपने को तैयार कर लेता था कि ये पश्चिम जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी ने कहा कि हम बेग कमेटी की सिफारसात के मुताबिक 1971 के चुनाव में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक्ट लाएंगे, तो वो लाए के नूरुल हसन वाला एक थोप दिया एकदम उल्टा, जो थोड़ी बहुत जमहूरियत है, जो थोड़ा बहुत मुस्लिम तशख्खुस था उसको भी ख़त्म कर दिया। तो आप बदनीयत हैं, आपकी नीयत ख़राब है, वरना आप सच्चर एक अच्छे इंसान थे, वो सही सिफारिश करते तो आपने सिफारिश करने का अख्तियार ही नहीं दिया, सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग आपने ले ली उनसे। तो मैं जब ये तकरीर कर रहा था तो सोनिया गांधी और शिवराज पाटिल आपस में कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे बगल में बैठे। उसके बाद शिवराज पाटिल ने मुदाखलत की और ये कहा कि आप बराबर हमारे ऊपर नीयत का इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारी नीयत बिल्कुल सही है, किसी कारण बस सच्चर को सिफारिश का अख्तियार नहीं दिया गया था, तो अब हम सच्चर की रिपोर्ट को जिस पर पार्लियामेंट में बहस हो रही है इसको रंगनाथ मिश्रा कमीशन को भेज रहे हैं सिफारिश करने के लिए। क्या आपने जब मिश्रा कमीशन बन रहा था या जब बन गया था तो उनसे मिलने के लिए कुछ लोगों को आपने भेजा था? हाँ, मैंने डॉक्टर एजाज अली को भेजा था, मैं खुद नहीं गया था। किस लिए आपने भेजा था और उन्होंने क्या कहा था उस वक्त? मैंने कहा कि रंगनाथ मिश्रा जिंदगी भर कांग्रेस का शाहकार रहा है और इसीलिए और कुछ ऐसे राज वाबिस्ता हैं जो खुल जाएंगे तो कांग्रेस की सियासत ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए रंगनाथ को कभी रिटायर नहीं होने दिया कांग्रेस की हुकूमतों ने। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद एक परमानेंट कमीशन बना के उसका चेयरमैन बना दिया और उसकी सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह और फैसिलिटी जारी है, मकान वकान सब आज भी, इसलिए कि उसकी सोच वही है जो नेहरू की थी। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, डॉक्टर एजाज अली से कहा कि आप जाइए पैरवी कीजिए। कहें जब आप खुद कह रहे हैं कितना ऐसा आदमी है तो कैसे पैरवी, इसका मतलब मैंने कहा कि लेकिन वो फितरतन अंग्रेज़ है और अंग्रेज़ जब मरने के करीब आता है तो वो अपनी गलतियों को लिखता है और अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, तौबा भी करता है। हाँ, तौबा भी करता है। मैंने कहा जैसे कि रेडक्लिफ ने किया और बहुत सारे लोगों ने किया जिसने बंटवारा किया मुल्क का, रेडक्लिफ ने भी किया और रेडक्लिफ ने सारा इल्ज़ाम माउंटबेटन पर डाल दिया अपनी किताब लिख के। पूरे 25 लाख इंसानों का खून जो है उसकी वजह से हुआ, लेकिन उसने अपना वो इल्ज़ाम माउंटबेटन पर डाल दिया कि माउंटबेटन ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के नक्शे पर लकीर खिंचवाई। तो मैंने कहा वो अंग्रेज़ है, शायद सुधर गया हो। तो वो गए और पैरवी भी करते रहे। एक दिन मैं असर के वक्त बैठा था बेकार कुर्सी पर अपने कमरे में, तब से आए वहाँ मुस्कुराते हुए। मैंने कहा कि बड़े खुश नज़र आ रहे हो, तो कहने लगे कि मैं रंगनाथ के यहाँ से आ रहा हूँ, रंगनाथ की रिपोर्ट तैयार हो गई है। उसने मुझसे कहा कि जाओ कल मैं इसको पेश करूंगा प्रधानमंत्री के यहाँ, और जाओ बता दो सबसे कि जितना लोगों ने सोचा भी नहीं होगा उतना मैंने सिफारिश कर दी है। जब आपने कुंडली की बात की जो मिश्रा जी के पास थी कांग्रेसियों की, मोदी जी ने भी अपनी तकरीरों में कई बार इस तरफ इंडिकेट किया है कि मेरे पास कुंडली है, अगर ज़्यादा कुछ करेंगे तो मैं भी खोल दूंगा, वो क्या है? अब कुंडली उनके पास क्या है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन मुझको लगता है कि मोदी जी कुछ करना चाहते हैं और किसी ऐसा घिरे हुए हैं या आरएसएस से या किसी से। क्या आपको लगता है कि मोदी जी चाहते मतलब देश को उस दिशा में लेना जाना चाहते हैं जो डेवलपमेंट की दिशा है, जो लोगों को जोड़ने की दिशा है, बैकवर्ड को, सोशलिस्टों को, समाज सेवियों को एक मंच पे लाने के, लेकिन वो नहीं ला पा रहे हैं? मैं ये महसूस करता हूँ कि नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, 3 साल में कुछ नहीं कर पाए, बाकी 2 साल में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लफाजी करेंगे, तकरीरें करेंगे, चुनाव वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ज़रूर हैं
लेकिन वो सिर्फ चुनाव लड़ते हैं 24 घंटा। इस सरकार का मुस्तकबिल क्या आपको, बीजेपी या एनडीए या मोदी सरकार का? बस जिस तरह नेहरू का सबसे काला ज़माना गुजर गया, उसी तरह ये ज़माना भी गुजर जाएगा। दोस्तों, तो ये थे इलियास आज़मी साहब, जिन्होंने दिल खोलकर हर मसले पे अपनी बात रखी। बहुत सारी चीज़ों से इन्होंने पर्दा उठाया, वक्त की कमी थी, हम बहुत सारे सवालात इनसे करना चाहते थे, इनसे पूछना चाहते थे, लेकिन नहीं पूछ सके। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, देखते रहिए इस प्रोग्राम को, यानी अपना politiciantoday.com। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।